नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों चलिए आज हमारा जो ट्रिक है उसका छठवां पार्ट है, छठवां ट्रिक देखते हैं इंट्रीगेशन में। ये जो ट्रिक बताया जा रहा है आपके लिए है ना, बहुत ही यूज़फुल है, खासकर JEE के लिए, NDA के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए है ना, धीरे धीरे आपको पूरा ट्रिक मिलते जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, ट्रिक नंबर 6 है। आपने पिछले में देखा था इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब था तो 4ac माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपको बताया गया था। अब यहां पर देखिएगा आपको क्या बता रहे हैं, देखो इफ 4ac माइनस b स्क्वायर इज लेस देन 0 नेगेटिव है, आपको क्या करना है, साथ में देखना है कि a भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यदि निगेटिव है तो होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स। इसका आप क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऊपर रख दीजिए, आप इसका पूरा क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए और ऊपर रख दीजिए। नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट, देखो 4ac माइनस b स्क्वायर है तो निगेटिव तो रूट के अंदर होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, बस इतना ही करना है, आपको आंसर मिल जाना है। प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है 4ac माइनस b स्क्वायर इज लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, a इज लेस देन 0 मतलब दोनों ही निगेटिव होना चाहिए। यदि निगेटिव है तो हम यहां पर फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स। अब हम ऊपर का अवकलन करते हैं, यानी 2ax प्लस b याद रखो, चाहे है ना उसको fx समान करके अवकलन याद रखो, आपके ऊपर है, आप क्या याद रखना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac। आइए इसका क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। तो आपको पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना स्क्वायर रूट 15 माइनस कितना 4x माइनस कितना 4x स्क्वायर। ये देखिए आपके पास क्या है, देखो a a b c, आपको ध्यान ये रखना है, आपने देखा कि x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है और c अकेले है, तो वैसे ही यहां पर a के प्लेस पर कितना है, ध्यान देना, a के प्लेस पर कितना हो गया, -4 हो गया बच्चों, बी के प्लेस पर कितना हो गया, बी के प्लेस पर -4 हो गया, सी के प्लेस पर क्या हो गया, 15 हो गया। देखिए आपने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब लिया तो पूरा पॉजिटिव था, आपने कंपेयर किया तो ए इज इक्वल -4, बी इज इक्वल -4 एंड सी इज इक्वल कितना, 15। बस इतना ही देखना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 4ac माइनस क्या लेना है, बी स्क्वायर लेना है, ले लिए। अब इसमें देखो 4 a के प्लेस पर कितना है, -4, c के प्लेस पर कितना है, 15 और b के प्लेस पर कितना हो गया, -4, ये होल स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, ये देखो 15 4 जा 60, 15 चौक 60 और 60 4 जा 240, ठीक है कितना हो गया, 15 चौक 60 और कितना हो गया, 60 इंटू 4 240 माइनस कितना हो गया, ये 60, तो आपको क्या मिला प्यारे बच्चों, 256। ये देखिएगा -256 मिला, ये क्या हुआ, लेस देन कितना हो गया, 0। अब लेस देन 0 हुआ, अब साथ में हमने देखा कि ए भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये जो कंडीशन आपने देखा ये सेटिस्फाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यदि सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम dx अपॉन इसका जो आंसर लिखने वाले हैं क्या राइट करेंगे, देखो 15 माइनस 4 एक्स माइनस कितना 4x स्क्वायर इज इक्वल, आपको यहां पर राइट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट a, तो a कितना है यहां पर, -4 तो राइट नहीं करेंगे हम, केवल 4 राइट करेंगे, ठीक है नेगेटिव तो देखे हैं, 4 राइट करेंगे। यहां पर क्या होगा, टेन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स, ये होगा साइन इनवर्स और यहां पर आपको राइट करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8x, यानी आपको नेगेटिव साइन को यहां पर नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 8x और ये हो जाएगा प्लस कितना 4, तो 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना रूट 256, ध्यान देना है यहां पर, ठीक है यहां पर क्या करना है, नेगेटिव साइन को नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, 1/2 राइट करना है और ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना है ना 4x, तो 4 कॉमन निकालेंगे आपको मिलेगा यहां पर
2x प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय इसका हो गया 16 और 4 4 जा 16, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन कितना 4। बस इस ढंग से करना है। यहां पर चेक करते समय नेगेटिव सबको देखना है, ठीक है, नेगेटिव भी देखिए, है ना, जो भी है, लेकिन लेने के समय यहां पर ध्यान देना है रूट के अंदर ये नेगेटिव नहीं डालेंगे, जब इधर नेगेटिव नहीं डाल रहे तो इसमें भी नेगेटिव नहीं डालेंगे, केवल पॉजिटिव को राइट करना है। तो किस ढंग से हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 5 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए के प्लेस पर कितना है, यहां पर माइनस वन है, बी के प्लेस पर कितना है 4 है, सी के प्लेस पर कितना है 5 है। देखो ए बी सी ऐसा चलता है, क्या करते हो आप 4ac - b² करते हो, 4a कितना है आपके पास माइनस वन, सी कितना है 5 और माइनस कितना 4 का स्क्वायर आपको मिल गया कितना, देखो 4 5 20 ये हो जाएगा -16 और ये आ गया आपको मिल गया 36, लेस देन कितना हो गया 0। यहां पर ए भी निगेटिव है, देखिएगा ए निगेटिव है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिएगा अब इसका आंसर क्या होने वाला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट a, तो a के प्लेस पर क्या रखिएगा 1, ये देखो, और साइन इनवर्स यहां पर क्या होगा 2x, ये देखो 2x, तो यहां पर क्या करेंगे ये देखो, यदि माइनस है, है ना, तो उसको क्या करेंगे प्लस, और प्लस को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमने चेंज किया था, याद रखो हमने चेंज किया था, तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, बस इसको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है यहां पर, ये देखिए इसको 2x और यहां प्लस है तो माइनस 4 कर देंगे अपॉन कितना हो गया √36, ये आ जाएगा। अब आपको मिला साइन इनवर्स, 2 कॉमन निकालिएगा, x - 2 अपॉन कितना हो गया 6, तो 2 3 जा आपको मिल गया प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कितना x - 2 अपॉन कितना 3, ये ध्यान देना है आपको, बस इस ढंग से आपको करना है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 + 3x - कितना x². देखो हियर a = -1 b = कितना 3 c = कितना 4, 4ac - क्या निकालोगे b² निकालोगे, 4a a कितना है -1, c कितना है 4, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -9 यह हो जाएगा -25, a भी निगेटिव है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आपका आंसर आने वाला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 और यह हो जाएगा साइन इनवर्स। यहां पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बट साइन को चेंज करके राइट करना है, यहां पर कितना होगा 2x और यह हो जाएगा -3 अपॉन कितना स्क्वायर रूट 25, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना है प्यारे बच्चों। तो साइन इनवर्स यह हो गया 2x - 3 / 5, तो आपको मजा आ रहा होगा बिल्कुल, बस इसी ढंग से करना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपका इस टाइप से बन जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है dx / √16 - 6 - x², ये देखिएगा क्या करना है आपको इसमें। देखो a = -1 b = -6 c = 16, अब 4ac - क्या निकालोगे b² आपको मिल गया 4, a कितना -1 आपको मिल गया, c कितना 16 और माइनस कितना 6 का स्क्वायर, ओके ये हो गया -64, ये हो गया -36, ये हो गया -100, अब निगेटिव मिला, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए भी निगेटिव है, आपको आंसर मिलना है 1 अपॉन रूट a, ए कितना हो गया 1, साइन इनवर्स यहां पर तो दोनों निगेटिव है तो हमको मिलेगा पॉजिटिव, तो 2x + कितना 6, क्योंकि आपने क्या किया इसका डिफ्रेंशिएट किया, या फिर डायरेक्ट उसी फार्मूला में रख देना 2x + कितना आ गया 6 / √100, आपको मिल गया प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, आपको यहां पर 2 कॉमन मिल रहा है, x + 3 राइज कीजिएगा अपॉन कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना है साइन इनवर्स x + 3 / 5। बिल्कुल यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल 30-40 सेकेंड के अंदर यह पूरा क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए और क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 - 6x - कितना x² dx। अब इसमें देखो a कितना है -1 b कितना है -6 c कितना है 7, आपको निकालना है 4ac - b²
आपने पाया 4, ए कितना है -1, सी कितना है 7 और बी कितना है -6। ये हो गया प्यारे बच्चों 7 4 -28, ये हो गया 36, कितना हो गगया ये हो गया 4 और ये हो गया -64। बिल्कुल, अब देखो निगेटिव है, कंडीशन लग गया है, आपके पास कितना हो गया √1, ये हो गया साइन इनवर्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय √64, बस रखना है आपको आंसर मिल जाना है। तो साइन इनवर्स ये हो गया 2 कॉमन, x प्लस 3, 2 कॉमन निकालिए और ये हो गया 8। अब यहां से कैंसिल करोगे आपको आंसर मिलना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए और भी क्वेश्चन आपके लिए यहां पर साइड में राइट किया गया है, इसको जो क्वेश्चन नहीं बना है आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, स्कूल वाले दोस्तों को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए। विजय सर क्लासेस नाम का यूट्यूब में एक चैनल है जिसमें ट्रिक का क्वेश्चन बताया जा रहा है, जरूर बताइए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।